नमस्कार दोस्तों, गार्डन व्यू पॉइंट पे आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका गार्डनर दोस्त। फ्रेंड, आज जो प्लांट मैं लेके आई हूँ उसका नाम है स्वीट लेमन, यानी कि मौसम्बी। आज मैं बताऊँगी आपको कैसे आप ये स्वीट लेमन का जो प्लांट है उसको केयर करेंगे, ग्रो करेंगे, उसी के बारे में। तो फ्रेंड, वीडियो पूरा देखते रहिए, कॉम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ आपको मिल जाएगा। फ्रेंड, स्वीट लेमन बहुत ही हेल्दी फ्रूट है। आप अगर घर पे इसको लगाकर इसका टेस्ट आप लेना चाहते हैं तो आप इस प्लांट को खरीद के लाए और इसको लगा लीजिए। ये प्लांट बहुत ही इजी टू ग्रो है। इसको आप सनी एरिया में रखेंगे तो इस प्लांट में बहुत अच्छा से फ्रूट आएगा और इसको वाटर भी रेगुलरली देना चाहिए। फ्रेंड, ये मेरा मौसम्बी का 4 साल पुराना प्लांट है। देखिए, इस बार मौसम्बी बहुत सारा लगा हुआ है, हर बार ही लगता है। मैंने इस प्लांट को बहुत सारा केयर किया है इसलिए इतना सारा मौसम्बी लगा हुआ है। ये देखिए, मेरा स्वीट लेमन का जो प्लांट है उसमें कितना सारा ये लेमन लगा हुआ है। ये देखिए, कुछ दिन के बाद ये लेमन साइज़ में बहुत ही बड़ा हो गया है। स्वीट लेमन का एक कॉमन प्रॉब्लम है कि नर्सरी से ख़रीदने के बाद इस प्लांट में ज़्यादातर फल नहीं लगता है। इसका मेन जो बात है वो है सॉइल मिक्सिंग, और इसको सनी एरिया में नहीं रखता है इसलिए इस प्लांट में फ्रूट नहीं आता है। और इसको बहुत सारा खाने का ज़रूरत है, फर्टिलाइज़र का, इसलिए इसको फर्टिलाइज़र ठीक तरह से देंगे तो इस प्लांट पे ज़रूर फ्रूट आएगा। मैं अभी बात करूँगी इसका फर्टिलाइज़र और इसका सॉइल मिक्सिंग के बारे में। ये मौसम्बी का जो फ्रूट प्लांट है इसमें ज़्यादा फूल और फल पाने के लिए इस प्लांट को आप एक बार साल में छांट देंगे तो इसमें बहुत सारा फूल और फल लगेगा। ये जो फल देख रहे हैं, फल जब आप ख़त्म हो जाएगा तब इस प्लांट को आप छांट दीजिए। ये देखिए, सॉइल मिक्सिंग है इसका। मैंने इसमें 50% गार्डन सॉइल लिया है, 30% ऑर्गेनिक कंपोस्ट लिया है, 10% कोकोपीट, 5% बोन मील और 5% नीम केक मिलाया है। ये सॉइल मिक्सिंग आप रखेंगे तो आपका प्लांट में फ्रूट आएगा ही ज़रूर। फर्टिलाइज़र के बारे में आप बात करते हैं, मैंने इस प्लांट में ड्राई जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो मंथ में एक बार देती हूँ और लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र 15 दिन में एक बार मैं देती हूँ। और इस प्लांट में जब जो मिलीबाग है जैसे कीड़ा लगता है, आप इस प्लांट को मंथ में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो उस प्लांट में कीड़ा नहीं लगेगा। फ्रेंड, ये और कुछ दिन के बाद मेरा जो ये स्वीट लेमन का प्लांट है, देखिए अभी कितना बड़ा हो गया है। हार्वेस्ट का टाइम आ गया है, कलर अभी लगने वाला है। कलर आएंगे तो मेरा जो ये स्वीट लेमन है उसको मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। देखिए, एक स्वीट लेमन का जो साइज़ है वो कितना बड़ा है, देखिए मेरे हाथों से भी बड़ा है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।